देखिए प्रतिमा, जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काट के लौटे थे तो उसके बाद अयोध्या में कितनी भव्य तैयारी हुई थी, यह सब हम लोग सुनते आए हैं और पढ़ते भी आए हैं। रामचरितमानस से लेकर तमाम ऐसे ग्रंथ है जिसमें दिखाया गया है, बताया गया है। लेकिन इस वक्त जो तैयारियां हैं, जैसे कि मैं अभी खड़ा हूँ, मैं आप मेरे पीछे आप देख सकते होंगे कि एक दीवार पे एक मूर्ति को जो है रूप दिया जा रहा है जिसमें कि भगवान राम और सीता की तस्वीर दिखाई जा रही है। ऐसे जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी प्रतिमा, इस तरह की कुछ कुछ जो है चीज़ें हो रही हैं जिसमें कि पूरा अयोध्या राममय होता हुआ आपको दिख रहा है। आप यकीन मानिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आज से पहले आप अयोध्या आई होंगी और आज आप अयोध्या आई हैं, आपको जमीन आसमान का फर्क लगेगा। संभव ये भी है कि आप पहचान न पाए कि क्या मैं उसी नगरी में आई हूँ जहाँ मैं पहले आई थी। इतनी खूबसूरत अयोध्या को बसाया और बनाया जा रहा है, खास करके कुछ इलाकों को जो राम कॉरिडोर है, राम लला का मंदिर है उसके आसपास बहुत ज़्यादा मैसिव वर्क जो है हो रहा है। और प्रधानमंत्री खुद जो है इन सभी चीज़ों का जायजा लेने के लिए 30 तारीख को आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि 50,000 करोड़ रुपए के परियोजनाओं का प्रधानमंत्री शुभारंभ करने जा रहे हैं या फिर जनता को अर्पित करने जा रहे हैं। मसलन अगर मैं रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो उत्तर भारत का पहला एयर कंडीशन रेलवे स्टेशन अयोध्या में बनकर तैयार हुआ है जो कि आम जनता के लिए खोला जा रहा है। अयोध्या में एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है, अयोध्या में और भी तमाम जैसे कि मल्टी लेवल पार्किंग्स हैं और कई सारी ऐसी डेवलपमेंटल वर्क है जिसके बारे में हम आप सोचते हैं वो सब आपको होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो जब राम आ रहे हैं तो राम की आने की तैयारी भी भव्य है और उन्हीं भव्यता की तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद प्रधानमंत्री 30 दिसंबर को यहाँ आ रहे हैं और उसके पहले 29 तारीख को ये तय होगा कि रामलला की कौन सी प्रतिमा राम मंदिर। चूंकि आपने रामलला की तीन जो प्रतिमाएं तैयार की जा रही उनका जिक्र किया, तो महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों के साथ हम साझा करने जा रहे हैं कि तीन जाने माने मूर्तिकारों ने भगवान राम की प्रतिमा तैयार की है। बता दें मैसूर के अरुण योगीराज शिल्पी ने बनाई है एक मूर्ति, तो तीन जाने माने मूर्तिकारों ने भगवान की मूर्ति तैयार की है। 90% काम इसका पूरा भी हो चुका है। मैसूर के अरुण योगीराज शिल्पी ने बनाई है एक मूर्ति। इसके अलावा जानकारी है कि बेंगलुरु के जुएल भट्ट ने दूसरी मूर्ति तैयार की है। साथ ही साथ राजस्थान के सत्यनारायण पांडे ने बनाई है तीसरी मूर्ति। श्वेत और श्याम रंग में है भगवान के बाल्यकाल की ये मूर्तियां जिन्हें तैयार कर दिया गया है। तो हम आपको जैसा कि बता रहे थे कि तीन शिल्पकारों ने तैयार कर दी है मूर्तियां, 90% काम पूरा हो चुका है और अब 29 दिसंबर को यह तय कर दिया जाएगा कि इन तीनों में से कौन सी मूर्ति स्थापित की जाएगी जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ये तीनों मूर्तिकार जो हैं उनके बारे में जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। अरुण योगीराज को लेकर बताएं, ये मैसूर के मूर्तिकार है, केदारनाथ की आदि शंकराचार्य की मूर्ति इन्होंने बनाई है। यहां जानकारी जीएल भट्ट को लेकर है, ये बेंगलुरु के मूर्तिकार है, 45 सालों से मूर्ति बना रहे हैं, देश विदेश में ये प्रसिद्ध है। बात करें सत्यनारायण पांडे की, राजस्थान के मूर्तिकार है और संगमरमर की मूर्तियों के निर्माता और निर्यातक है। साथ ही इनको लेकर कुछ और जानकारी भी आपसे साझा कर रहे हैं। अरुण योगीराज की बात करें, इंडिया गेट पर स्थापित नेताजी की मूर्ति भी इन्होंने ही बनाई है। जीएल भट्ट की बात करें तो भारतीय शिल्पकला की 120 से ज्यादा प्रदर्शनियों में इनकी मूर्तियां लगी हैं। और इसके अलावा सत्यनारायण पांडे की बात करें तो कुछ दशकों में बड़े नाम के रूप में ये उभरे हैं। साथ ही अरुण योगीराज की बनाई तीसरी मूर्ति का उद्घाटन पीएम करेंगे, ये जानकारी भी आपके साथ हम साझा कर दें। जीएल भट्ट 50 से ज्यादा अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं अपने काम को लेकर और सत्यनारायण पांडे पारंपरिक कला की मूर्तियां बनाने में इन्हें महारत हासिल है। तो इनको लेकर तमाम जानकारियां तो हम साझा कर रहे हैं और किस तरीके की ये मूर्तियां हैं जिन्हें तैयार किया गया है इन तीनों मूर्तिकारों द्वारा, ये भी हम लगातार बता रहे हैं और उत्सुकता लगातार कुमार कुंदन सबकी बढ़ती जा रही है क्योंकि जिस तरीके से इन्हें तैयार किया गया बहुत सारी बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। ऐसे में अयोध्या वासियों का क्या कहना है? देखिए अयोध्या वासियों के लिए तो इससे बढ़िया कोई क्षण नहीं हो सकता कि जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी वो अब जो है साकार होता हुआ दिख रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, रामलला आ रहे हैं, ये अयोध्या के लिए आस्था का विषय है लेकिन उससे बड़ा एक आर्थिक पहलू भी है। आप यकीन मानिए प्रतिमा, जिस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है, इस तरह के डेवलपमेंट की कल्पना शायद अयोध्या वासियों ने कभी नहीं की होगी। अगर उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों की तुलना में देखें तो आज की तारीख में बहुत डेवलप हो चुका है। तो आस्था और आर्थिक तमाम कई सारे ऐसे पहलू हैं जिनके सामने अयोध्यावासी खड़े हैं और उनको तो सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार है रामलला का। अभी जो भी कार्यक्रम अयोध्या में हो रहा है उसके शीर्षक, उसके बैकग्राउंड में लिखा होता है राम आएंगे। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने पवित्र मन से वो भगवान राम का इंतज़ार कर रहे हैं, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, और अयोध्यावासी ही क्यों, पूरे देशवासियों को इंतज़ार है भगवान राम के आने का।
और यही वजह है कि एक बड़ी तैयारी चल रही है जिसकी तस्वीर टीवी 9 भारतवर्ष दुनिया को और देश को दिखा रहा है।